क्वेश्चन नंबर वन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था वी स्मिथ ने। समुद्रगुप्त का शासनकाल था 335 से 380 तक। क्वेश्चन नंबर दो है, मालती माधव किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो मालती माधव है बहुभूति के द्वारा, जबकि शिशुपाल वध है माक के द्वारा। नेक्स्ट है, एलिफेंटा की गुफाओं को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो शामिल किया गया था 1987 में। क्वेश्चन नंबर चार है, सिक्किम को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका आंसर है नाथुला दर्रा। नेक्स्ट है, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो न्योरा घाटी है पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर छः है, राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लाई गई थी? तो लाई गई थी 1988 में। नेक्स्ट है, भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं बृजेश मिश्रा। क्वेश्चन नंबर आठ है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया? तो यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर नौ है, संविधान का भाग 20 किससे संबंध है? संविधान का भाग 20 संबंधित है संविधान संशोधन से। क्वेश्चन नंबर दस है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 54 में। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो स्वास्थ्य का अधिकार है अनुच्छेद 21 में। क्वेश्चन 12 है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से किस वर्ष हटा गया था? तो हटाया गया था 1978 में। नेक्स्ट है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, इलियास खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इलियास खान का संबंध है सारंगी से। वहीं शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर से। नेक्स्ट है, वॉकर कप का संबंध किस खेल से है? वॉकर कप का संबंध है गोल्फ से। नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वित्त आयोग का गठन हुआ था 22 नवंबर 1951 में। क्वेश्चन 17 है, बराबर की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो यह स्थित हैं बिहार में। नेक्स्ट, आरबीआई की मौद्रिक नीति में कितने सदस्य होते हैं? तो होते हैं 6 सदस्य। क्वेश्चन 19 है, नीला थोता का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोता का रासायनिक सूत्र है CuSO4 कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है, रेखा द अनटोल्ड स्टोरी किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? रेखा द अनटोल्ड स्टोरी यह लिखित है यासिर उस्मान के द्वारा। और क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बताना है, गोफ नृत्य का संबंध किस राज्य से है?